अयोध्या में चल रहे श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच प्रभु श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उल्लास चरम पर है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और सुशासन के लिए हमारा संकल्प और हमारा आदर्श राम राज्य रहा है। छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन चावल भेजे जाने के बाद अब रामलला के भोग के लिए सब्जी उत्पादक किसानों की ओर से सब्जियों की खेप भेजी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल रहेगा। इस दिन घरों में दीपावली की तरह दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और हमारा सुशासन का संकल्प और हमारा आदर्श रामराज रहा है। और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहां से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3,000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है।